हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लीब्रा ऑफिस कैल्क और एक्सेल के अंदर किस तरीके से बारकोड जनरेट किया जा सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं लीब्रा ऑफिस में एक डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसमें हर एक डेटा के लिए यानी हर एक सीरियल नंबर के लिए यूनिक बारकोड भी जनरेट हो रहा है। तो बारकोड जनरेट करने के लिए आपको एक फॉन्ट आता है लीब्रा ऑफिस का, से लिब्रा ऑफिस बारकोड, लिब्रा बारकोड के नाम से जाना जाता है। वो लिब्रा बारकोड का फॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे मिल जाएगा आपको सर्च करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप एक्सेल में यही चीज चाहते हैं तो आप कोड 39 डाउनलोड कर लीजिए। कोड 39 अगर एक्सेल में चाहते हैं तो कोड 39 डाउनलोड कर लीजिए। और ये सेम डाटा मैंने कॉपी किया है। तो अभी यहाँ पर मैं बारकोड देखिए, यहाँ पर एक्सेल में भी बारकोड जनरेट हुआ है और अभी मैं आपको एक बारकोड ये जो बारकोड जनरेट हुआ है इसको मैं जनरेट करके दिखाता भी हूँ। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले तो यहाँ इसको ये लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बारकोड जनरेट करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाइए। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल टू से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा लीजिएगा स्टार, स्टार सिंबल लगा लिया। स्टार सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे लगाइएगा एंड, क्योंकि हम चाहते हैं जोड़ना। और यहाँ पर जरा रेफरेंस देखिए, ये है B1, ये B कॉलम है, 1 रो है। और ये देखिए ये है B2, यानी B कॉलम है और 2 रो है। तो यहाँ पे हमें लिखना है B2 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे लगा दीजिएगा एंड, एंड लगाने के बाद फिर यहाँ पे लगाइएगा डबल इंटेड कोट्स में स्टार। तो स्टार लगा दिया यानी एस्टेट सिंबल लगा दिया और बस आपको एंटर भर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके का ये जनरेट हो गया है। जो यहाँ पर दिया गया है वही यहाँ पे भी जनरेट हो गया है। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ये नीचे तक ड्रैग किया हमने तो आप देखेंगे जैसे दिया हुआ है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में यहाँ स्टार 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 लग के आ गया। इधर भी स्टार लगा हुआ है, इधर भी स्टार लगा हुआ है, लेकिन अभी तक बारकोड नहीं जनरेट हुआ। डोंट वरी, बारकोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे, हमने कोड 39 डाउनलोड किया, वहां तक हमें चलना होगा। कोड 39 हमारा कहाँ है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा कोड 39 फॉन्ट है, बस इसी पे क्लिक करना है। ये कोड 128 है, आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप कोड 39 भी कर सकते हैं, कोड 128 भी कर सकते हैं, तो इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग बारकोड जनरेट हो जाएंगे। अब ये अलग अलग कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेल एड्रेस क्या है, B2 है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल एड्रेस क्या है, B2 है। यहाँ पे आपको दिखेगा, F2 करने से नहीं दिखेगा आप, ठीक है। फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे देखिए B3 हो गया है। फिर यहाँ पर आइएगा तो ये B4 हो गया है। तो हर बार अलग अलग ये बारकोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। अब यही चीज लिब्रा ऑफिस में करना है तो कैसे करेंगे, ये डेटा मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे दूसरी शीट पे आ जाते हैं और कंट्रोल बी कर देते हैं। अब यहाँ पर बारकोड जनरेट करना है, सेम वही फंडा आजमाना है हमको। यहाँ पे डबल इंटेड कोट्स में ये एस्ट्रेक सिंबल लगाना है, यानी स्टार का सिंबल लगाना है। और स्टार का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे लगा दीजिएगा एंड, एंड लगाने के बाद ये देखिए सेल एड्रेस क्या है, सीरियल नंबर का, ये देखिए B2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा B2, सिंपली B2 लिख दीजिएगा। और B2 लिखने के बाद यहाँ पे लगा दीजिएगा एंड, एंड लगाने के बाद यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा, स्टार इस तरीके से स्टार लगा करके और फिर एंटर कर दीजिएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से ड्रैग कर देना है, ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो बारकोड वाला फॉन्ट है ना, तो देखिए ऊपर ही है, ये देख सकते हैं यही वाला फॉन्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा तो ये बारकोड जनरेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी किस तरीके से करना है ये, ठीक है। ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये जो है ना free 3 of 9 एक्सटेंडेड ये फॉन्ट है। आप डालिएगा लिब्रा ऑफिस बारकोड फॉन्ट गूगल पे तो वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप बारकोड जनरेट कर पाएंगे। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।